विधानसभा निर्वाचन को लेकर आजसू की प्रत्याशी वर्षा गाड़ी ने रांची विधानसभा सीट के लिए नामांकन दर्ज कराया। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान वर्षा गाड़ी ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन मामलों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यानी कि जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हो पाया है। सरकार ने उन मामलों पर अनदेखी की है और उन सभी मामलों पर बदलाव लाने की आवश्यकता है, और इसी के साथ उन्होंने अपनी जीत का भरोसा भी जताया। जिस तरह के पैसों का बंदर बांट हुआ है, यानी कि अगर विकास के नाम से अगर बोला जाए तो मैं उदाहरण के तौर पे बड़ा तालाब को लेती हूँ। आज वहाँ पे जो यहाँ पे उसका विकास करना था, लेकिन वो पैसा यूज़ हुआ उसके बाद उसकी क्या स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो क्योंकि कांटा टोली की बात अगर फ्लाईओवर की बात की जाए तो वो एक ऐसे कंपनी को दिया गया है जो बिना एक्सपीरियंस के उस कंपनी को दे दिया गया है। ये चुनौती मेरे लिए नहीं है, चूँकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ पे जनता जनादेश देती है, और निश्चित तौर से इस बार रांची की जनता ने मन बनाया है कि इस बार रांची विधानसभा में बदलाव जरूर होगा। सबरंग समाचार के लिए रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट।